एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें फतेहाबाद से, जहां पर लापता तीन छात्राएं मिली सुरक्षित। जी हां, तीनों छात्राएं सुरक्षित मिली हैं। फतेहाबाद से लापता हुई थी ये तीनों छात्राएं, जिन्हें सुरक्षित ढूंढ निकाला गया है। पंजाब के मोहाली में मिली तीनों छात्राएं, तो ये तीनों छात्राएं पंजाब के मोहाली में मिली है। चंडीगढ़ घूमने गई थी ये तीनों छात्राएं, और जानकारी फिलहाल ये मोहाली के एक गुरुद्वारे में ये छात्राएं जो थी वो वहां पर ठहरी हुई थी, लेकिन इन्हें सकुशल ढूंढ लिया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इन्हें ट्रैक किया, और फिलहाल 30 मई को स्कूल के लिए ये छात्राएं जो थी वो निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस द्वारा छानबीन की गई, और इनके मोबाइल लोकेशन के माध्यम से ही इनको खोज निकाला गया, सुरक्षित इन्हें ढूंढ निकाला गया है। बड़ी खबर, पंजाब के मोहाली में तीनों छात्राएं मिली हैं। रमेश कुमार संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। रमेश, तीनों लड़कियां सुरक्षित हैं? फतेहाबाद के 30 मई को जो फतेहाबाद की तीन लड़कियां लापता हुई थी, इसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस थाना शहर थाना में अपने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद लगातार पुलिस जो तीनों लड़कियों गायब होने के बाद जांच कर रही थी, लेकिन इन तीनों लड़कियों को जो कल फतेहाबाद पुलिस ने देर रात्रि जो तलाश कर लिया है, ये तीनों लड़कियां जो चंडीगढ़ के मोहाली से पुलिस ने जो बरामद की है, पुलिस का कहना है कि तीनों लड़कियां 30 मई को घर से लापता हो गई थी, उसके बाद लगातार पुलिस इनकी जांच कर रही थी। लड़कियों से पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये लड़कियां तीनों घूमने के लिए जो मोहाली और चंडीगढ़ गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है तीनों जो छात्राएं हैं वो घूमने के लिए दरअसल निकली थी, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी जो शिकायत है वो पुलिस में की, जिसके बाद आखिरकार इन तीनों लड़कियों को सुरक्षित ढूंढ निकाला गया है।